हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चलिए आइए, सभी हमारे विद्यार्थियों का, पार्टिसिपेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं पीजीटी एग्जामिनेशन की, उन सभी का स्वागत है। तो आइए कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज पर एक क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की पहचान कर पाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, आपको आइडेंटिफाई करना है इस सीरीज का नेचर। क्वेश्चन है लिमिट एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनाइट, ओके, एन प्लस वन अपॉन एन होल टू द पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन होल टू द पावर माइनस एन। यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी फंक्शन को हमें, जो गिवन फंक्शन है उसे हमें यू एन मानना है। ओके, सो लेट हमने इस फंक्शन को यू एन मान लिया। सो यू एन इक्वल्स टू हो गया कितना हमारे पास, एन प्लस वन डिवाइड बाई एन होल टू द पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन होल टू द पावर कितना है अपने पास में, माइनस का एन। ओके, अब हमें इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है, तो हमें कुछ ऐसा करना है, सॉरी यहाँ पे माइनस एन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ जो है वन बाई एन पावर ले लेते हैं। सो यू एन होल टू द पावर वन बाई एन इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन एन होल टू द पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन, तो ये कितना हो जाएगा पावर माइनस वन, क्योंकि माइनस एन अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस वन। एक और ब्रैकेट लगेगा, वो मैंने लगाया नहीं है, आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए अब देखिए, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये तो मेरे पास आ चुका है। अब देखिए, इसके पास यहाँ पे n प्लस वन पावर है, यहाँ n प्लस वन अपॉन एन, तो यदि मैं यहाँ से n प्लस वन अपॉन एन पावर कॉमन ले लूँ, तो माइनस वन बाहर निकल के आएगी और ये कितना आ जाएगा, n प्लस वन अपॉन एन होल टू दी पावर n बचेगा और माइनस का कितना बचेगा, वन, और होल पावर कितना, माइनस वन। ये क्या चल रहा है मेरे पास, ये यू एन की पावर वन बाई एन चल रहा है। ओके, अब कैसे करेंगे इसको, अब देखिए, अब इसके बाद जो है आप ये नेगेटिव पावर को नीचे ले जाइए। सो इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ, यहाँ पे यू एन टू दी पावर वन बाई एन इक्वल्स टू, इसको मैं यदि ब्रेक कर दूँ तो ये वन प्लस वन बाई एन होल टू दी पावर माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन, ये भी मैं लिख सकता हूँ वन प्लस वन बाई एन होल टू दी पावर एन और माइनस का वन। अब मैं टेस्ट जो होता है, टेस्ट कहता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट यू एन टू द पावर वन बाई एन क्या देगी मुझे, देखिए ये वन प्लस वन अपॉन जीरो, वन बाई इन्फिनाइट जीरो हो जाएगा, मतलब वन टू द पावर माइनस वन बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, वन प्लस वन अपॉन इन्फिनाइट होल टू द पावर इन्फिनाइट एक तरीके से। ओके, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी स्ट्रक्चर जो बन गई है, वो लिमिट एक्सटेंस टू, मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स की स्ट्रक्चर बन गई है, जो कि हमारे पास क्या देता है, ये देता है ई। ओके, सो दिस इज़ वॉट, दिस इज ई। ओके, और माइनस कितना, वन। सो ये कितना आ चुका है मेरे पास, वन, और वन अपॉन ई माइनस वन दैट इज़ लेस देन वन, जो कि वन से क्या आएगा, छोटा आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वन अपॉन ई माइनस वन, जो कि वन से छोटा है, तो फिर क्या होगा, अब हम जानते हैं कि अगर ये वन से छोटा है तो क्या रूल हमने पढ़ रखा है, यदि एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम, ओके, तो यदि ये वन से छोटा है तो हमने क्या रूल पढ़ रखा है, यदि ये वन से छोटा है तो हमने जो रूल पढ़ रखा है उसको हम अप्लाई करते हैं, लिमिट, सॉरी क्या रूल पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट यू एन होल टू द पावर वन अपॉन एन जो आ रहा है दैट इज लेस देन वन आ रहा है, सो बाई कॉचे रूट टेस्ट, जो कॉचे रूट टेस्ट है उससे जो गिवन इक्वेशन होगा, इक्वेशन इज कन्वर्जेंट। ओके, तो ये जो इक्वेशन होगा हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो दोस्तों ये आपको कंटेंट कैसा लगा, इसके बारे में आप जरूर कमेंट करिए,
बहुत बहुत धन्यवाद।